सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुर्द। दोस्तों, इससे पहले मैं पावर पॉइंट के रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस टीचर या स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, जैसे कि जूम मीटिंग ऐप, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जियो मीट्स, इन सभी एप्स के रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखें कि मोबाइल के थ्रू पीपीटी कैसे प्रिपेयर करनी है एंड पीपीटी को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है पीपीटी। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सी ऐप्स मिलेंगी। आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। दोस्तों, ऐप को इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है, अलाउ करना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है तो आपने साइन अप या साइन इन करना है, अदरवाइज आप साइन इन लेटर करके स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन शो होगी, रीसेंट, शेयर्ड एंड ओपन। आपने जो भी रीसेंट फाइल जो यूज़ की है यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आपने कोई फाइल किसी के साथ शेयर की है तो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप अपने फ़ोन से कोई फाइल ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी डिवाइस से फाइल को ओपन कर सकते हो। दोस्तों, पीपीटी को क्रिएट करने के लिए आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट इन। आपने यहाँ पे लोकेशन चूज़ करनी है, कहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हो। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फ़ोन की लोकेशन चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को चूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे स्लाइड को चूज़ करने की ऑप्शन आएगी, जैसे ब्लैंक स्लाइड, मेडिसन, एटलस। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी स्लाइड्स हैं, आप किसी भी स्लाइड को चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। पहले हम ब्लैंक स्लाइड को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम किसी कलरफुल स्लाइड को यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी स्लाइड ऐड हो जाएगी। तो आपने गॉट इट पे क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है डबल टैप टू ऐड टाइटल, आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही कीबोर्ड ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ सुपर टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने बॉक्स के बाहर कहीं पे भी क्लिक करना है। जैसे आप बॉक्स के आउटसाइड क्लिक करते हो तो आपने जो भी राइट किया वो सेव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप फिर से एडिट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो उसके बाद आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको बुलेट्स यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके बुलेट्स यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप 1, 2, 3 नुमेरिक यूज़ करना है नुमेरिक भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लेफ्ट राइट टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आपको कमेंट यूज़ करना है कमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अंडू करना चाहते हो आप यहाँ पे अंडू भी कर सकते हो। आप यहाँ टॉप से भी अंडू कर सकते हो। मोर ऑप्शन के लिए आपने राइट बॉटम पे एरो पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से अंडू एंड रीडू भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्स्ट के फॉन्ट शो होंगे, आपने अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर लेना है। दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको मिनिमम साइज 8 एंड मैक्सिमम साइज 96 मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे भी कलर को चूज करने की ऑप्शन आ रही है, आपने यहाँ एरो पे क्लिक करना है। आप यहाँ से भी कलर को चूज कर सकते हो, जो भी आपको कलर रिक्वायर्ड है। दोस्तों, अगर आप सभी फॉर्मेट्स को क्लियर करना चाहते हो, जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, तो आप क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो सभी चेंजेस अंडू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ रही है बुलेट्स की एंड नुमेरिक की। दोस्तों, अगर आप अलाइनमेंट को लेफ्ट या राइट मूव करना चाहते हो, आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, आप सेंटर कर सकते हो, अप डाउन भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने कोई पैराग्राफ राइट किया, उसके बाद आप पैराग्राफ को लेफ्ट एंड राइट से अलाइनमेंट करना चाहते हो, मीन्स एक ही लाइन में करना चाहते हो लेफ्ट एंड राइट से, तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है रोटेशन की। अगर आप फॉन्ट्स को रोटेट करना चाहते हो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आप फॉन्ट्स को 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो एंड आप इसे ड्रैग भी कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है 270 की एंड उसके बाद ऑप्शन आ रही है स्टैकड की। अगर आप फिर से सेम फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो आपने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव करना चाहते हो तो इजिली टेक्स्ट को मूव कर सकते हो कहीं पे भी। एंड आप न्यू टेक्स्ट राइट करना चाहते हो तो आपने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई टाइटल चूज़ कर सकते हो। जैसे आप कोई कंपैरिजन करना चाहते हो तो आपने कंपैरिजन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंपैरिजन में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे कोई कंपैरिजन राइट कर सकते हो एंड राइट पे कोई कंपैरिजन राइट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप वॉइस कमांड के थ्रू कुछ राइट करना चाहते हो या आप किसी अदर लैंग्वेज में राइट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने फिर से डबल टैप करना है, पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, राइट पर यहाँ पर ऑप्शन आ रही है वॉइस कमांड की। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो वॉइस कमांड के थ्रू आप कुछ भी राइट कर सकते हो।
तो वॉइस कमांड के थ्रू आप कुछ भी राइट कर सकते हो। दोस्तों जैसे यहाँ पे मेरा जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश में है, यहाँ पे मैं जो भी इंग्लिश में कुछ स्पीक करूँगा वो इंग्लिश में ही टाइप करेगा। अगर आप हिंदी में कुछ टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ आपने हिंदी में कैसे करना है। पहले हम इंग्लिश में टाइप करेंगे। जैसे आप वॉइस कमांड पर क्लिक करते हो, हेलो हाउ आर यू, आफ्टर दैट फिर से आपने माइक्रोफोन पे क्लिक करना है, उसके बाद वॉइस कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में कुछ राइट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगी, तो आपने सेटिंग पे क्लिक करना है एंड लैंग्वेज मिलेगी, आपने लैंग्वेज पे क्लिक करना है, ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं हिंदी कीबोर्ड ऐड करूँगा तो आपने यहाँ पे कीबोर्ड सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैं हिंदी सर्च कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे से कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना और डन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने बैक पे क्लिक करना है, फिर से बैक पे क्लिक करना है। दोस्तों आफ्टर दैट आपने यहाँ स्पेस पे लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से कीबोर्ड को चेंज कर लेना है। अब हम यहाँ हिंदी में टाइप करेंगे वॉइस कमांड के थ्रू, तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई है, HTEN मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद फिर से आपने वॉइस कमांड पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी स्पीक करूँगा वो सारा टाइप हो जाएगा, टाइप होने के बाद PPT में ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी स्पीक किया है वो ऐड हो गया। दोस्तों इस मेथड से इजीली आप विदाउट टाइपिंग कुछ भी राइट कर सकते हो। दोस्तों न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आप न्यू स्लाइड को स्लाइड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अभी सेकंड स्लाइड ऐड हो गई है। अगर आप इन ऑप्शन को हाइड करना चाहते हो तो आपने एरो पे क्लिक करना है, सभी ऑप्शंस हाइड हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास अभी टू स्लाइड्स ऐड हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्लाइड ऐड करने के लिए आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट स्लाइड ऐड हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप ब्लैंक की बजाय कोई अदर स्लाइड यूज करना चाहते हो, लाइक कलरफुल स्लाइड यूज करना चाहते हो, तो आपने उस स्लाइड को चूज करना है। उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करना है, आफ्टर दैट आपने होम पे क्लिक करना है ना। होम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी डिजाइन की, आपने डिजाइन पे क्लिक करना है एंड थीम पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी थीम चूज कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी समय किसी भी स्लाइड की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली स्लाइड को चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड को चूज कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर शो हो गए, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है होम के बाद इंसर्ट, आप इंसर्ट पे क्लिक करके कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो, कोई न्यू कमेंट इंसर्ट कर सकते हो, आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो। टेबल को इंसर्ट करने से पहले हम इन सभी टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। आपने यहाँ टॉप पे क्लिक करना है एंड आप सभी टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट कर सकते हो कभी भी। दोस्तों सभी टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे। जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाते हैं। आप टेबल को यहाँ पे ड्रैग डाउन भी कर सकते हो एंड राइट लेफ्ट पे आप मूव कर सकते हो। दोस्तों अगर आप टेबल पे कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आपने यहाँ एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे माउस नहीं काम कर रहा तो मैं यहाँ पे अपने फिंगर से ही यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों आप अबव और बिलो कहीं पे भी कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट। दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हो तो आपने डिलीट पे क्लिक करना है। आप टेबल का कोई कॉलम भी डिलीट कर सकते हो, आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप टेबल में राइट करना चाहते हो तो आपने टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड शो होगा। अगर आपको यहाँ पे कीबोर्ड शो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ एरो पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको कीबोर्ड शो हो जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लाइक सीरियल नंबर। और दोस्तों अगर आप फॉन्ट्स का साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो आपने फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने फिर से एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने होम पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप यहाँ से फॉन्ट्स का साइज चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं फॉन्ट्स का साइज चेंज कर रहा हूँ और आप फोन्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है स्टाइल ऑप्शन। आप यहाँ पे हेडर की रो चेंज कर सकते हो, लाइक जैसे यहाँ पे टॉप पे ग्रे कलर शो हो रहा है, अगर आप इस कलर को बॉटम पे यूज़ करना चाहते हो, अपने टॉप रो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये बॉटम पे भी शो हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कहीं कहीं पे भी डार्क कलर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आई है टेबल स्टाइल की। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप टेबल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। टेबल से एग्जिट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट की।
आप यहाँ पे न्यू स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको टेबल या कोई अगर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ। आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप पिक को यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो, पिक को आपने क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आप पिक को कन्फर्म करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है रोटेट की, आप यहाँ से पिक को रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है और जो आपकी पिक है वो इंसर्ट हो जाएगी। आप पिक का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, एंड आप पिक को कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। अगर आप कुछ राइट करना चाहते हो, आपने डबल टैप टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे राइट करने की ऑप्शन नहीं आ रही तो आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास राइट की ऑप्शन आएगी, जैसे यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ मनदीप दुल्ट। दोस्तों राइट करने के बाद आपने बॉक्स के बाहर कहीं पे भी क्लिक करना है, उसके बाद आपने फिर से फॉन्ट पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप इस टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव कर सकते हो, एंड आप बोल्ड भी कर सकते हो एंड कलर भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आप ब्रिंग टू बैक की या फ्रंट की ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो, अपने पिक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे अरेंज की ऑप्शन आ रही है, जैसे आप अरेंज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपकी पिक का वो बैकवर्ड पे चली जाएगी। अगर आप यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करोगे तो जो टेक्स्ट है वो आपकी पिक के बैक साइड चले जाएंगे। अगर आप बैकवर्ड यूज़ करते हो तो फिर से टेक्स्ट शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है पिक्चर इफेक्ट की, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप पिक्चर की शेडो यूज़ कर सकते हो, आउटर यूज़ कर सकते हो, एंड रिफ्लेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन यूज़ करूँगा तो जो पिक है वो बॉटम पे भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों पिक की जो रिफ्लेक्शन है वो स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप की, आप यहाँ पे क्लिक करके पिक को क्रॉप कर सकते हो, एंड साइज एंड पोजीशन की, आप यहाँ पे क्लिक करके पर्टिकुलर साइज सेट कर सकते हो पिक का। दोस्तों अगर आप सेटिंग को रीसेट करना चाहते हो, अपने रीसेट पे क्लिक करना है और रीसेट पिक पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो भी सेटिंग्स थी, जो भी हमने इफेक्ट लगाए थे, वो सभी इफेक्ट्स रीसेट हो चुके हैं। मोर ऑप्शन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डिजाइन की, जैसे आप डिजाइन पे क्लिक करते हो तो फिर से आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई लाइट बैकग्राउंड थीम यूज करना चाहते हो, आप लाइट बैकग्राउंड थीम भी यूज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जैसे फर्स्ट स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड शो होगी तो उसमें कुछ इफेक्ट ही शो होगी। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं स्प्लिट इफेक्ट यूज करूंगा। अगर आप सभी स्लाइड्स पे यूज करना चाहते हो, आपने अप्लाई टू ऑल कर देना। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे पर्टिकुलर इफेक्ट यूज करना चाहते हो तो आपने वन बाय वन सभी स्लाइड पे इफेक्ट को चूज करना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है एनिमेशन की, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एनिमेशन शो होने लगेंगे। आपने एंट्रेंस इफेक्ट पे क्लिक करना है, एंड आप यहाँ पे एनिमेशन चूज कर सकते हो। दोस्तों ये एनिमेशन भी ड्यूरिंग स्लाइड शो ही शो होंगे। दोस्तों अगर आप कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हो तो आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो की ऑप्शन शो होगी, तो आप यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो, एंड आप वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी डिवाइस में वीडियो सेव्ड होगी, आपको यहाँ पे सभी वीडियो शो हो जाएगी। आप यहाँ से सेलेक्ट करके वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं इस वीडियो को इंसर्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों आप वीडियो का साइज भी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। दोस्तों स्लाइड शो को लॉन्च करने के बाद ही वीडियो प्ले होगी। अगर आप कोई ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हो तो आपने ऑडियो पे क्लिक करना है, आप ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऑडियो सेव्ड है। दोस्तों अगर आप वीडियो को या पिक को किसी अदर स्लाइड पे मूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपने जैसे न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और आपने बैक स्लाइड पे जो को चूज करना है, और उसके बाद आपने वीडियो या पिक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी कट कॉपी एंड पेस्ट की, जैसे यहाँ से मैं इस वीडियो को कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे इस वीडियो को पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने लेफ्ट टॉप पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आई है पेस्ट की, आपने यहाँ पेस्ट पे क्लिक करना है। जो आपने वीडियो या कोई भी टेक्स्ट या कोई पिक सेलेक्ट की थी, यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगी। टॉप पे ऑप्शंस आ रही हैं एडिट टेक्स्ट की, जैसे आप यहाँ राइट पे क्लिक कर देते हो। दोस्तों अगर आप फिर से कुछ राइट करना चाहते हो, अपने पेंसिल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर पीपीटी पे क्लिक करना है जहाँ पे आप कुछ फिर से राइट करना चाहते हो। और दोस्तों अगर आप कुछ पीपीटी में सर्च करना चाहते हो, अपने सर्च कमांड पे क्लिक करना है। अगर आप स्लाइड शो रन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्लाइड शो रन कर सकते हो, लेकिन यहाँ से स्लाइड शो करंट स्लाइड से ही रन होगा। तो दोस्तों अगर आप बिगिनिंग से स्लाइड शो रन करना चाहते हो तो आपने एरो पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपने स्लाइड शो पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगी फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड एंड हाइड स्लाइड।
तो आपने फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एनोमेटर यूज करना चाहते हो तो आपने टॉप पे क्लिक करना, जैसे मैं अपने हैंड से टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे एनोमेटर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने यहाँ पेंसिल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप पेन का साइज थिक करना चाहते हो तो आपने सेकंड पेन को यूज़ करना है, एंड आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इरेज करना चाहते हो, आप इरेज कर पे क्लिक करके इरेज भी कर सकते हो, और नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है इरेज ऑल की, आप यहाँ पे क्लिक करके इरेज ऑल कर सकते हो। दोस्तों एनोनेट को डीएक्टिवेट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एनोनेटर डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपने क्लिक करना है नेक्स्ट स्लाइड के लिए, उसके बाद फिर से आपने क्लिक करना है सेंटर पे नेक्स्ट स्लाइड के लिए। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सभी स्लाइड से आपको शो हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे वीडियो शो होने लगी है, जैसे आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ ऑफलाइन पे एग्जाम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वीडियो प्ले हो जाएगी। अगर आप वीडियो में कुछ सब टाइटल हैं या फिर ऑडियो ट्रैक है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सब टाइटल और ऑडियो ट्रैक को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप स्लाइड शो को स्टॉप करना चाहते हो तो आपने फिर से ऑफलाइन टॉप एग्जाम पे नहीं हो क्लिक सकते, करना नहीं है, हो एंड सकते। यहाँ से आप स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हो। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आप पीपीडी को किसी अदर लोकेशन में सेव करना चाहते हो, एंड या फिर आप पीपीडी को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपने कैसे करना है। दोस्तों आपने यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी सेव की। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो पीपीटी हमारी ऑटो सेव्ड हो रही है, तो इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीपीटी को किसी अदर लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, आपने सेव एज पे क्लिक करके लोकेशन चूज कर लेनी है। दोस्तों अगर आप पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी शेयर एज पीडीएफ की। उससे पहले आपने तो उसके लिए आपने अपने फ़ोन से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है, फाइल मैनेजर। दोस्तों आपने यहाँ पे एफ नाम का फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, एंड कन्फिगर करके आपने छोड़ देना। उसके बाद आपने फिर से पीपीटी ओपन करनी है। पीपीटी ओपन करने के बाद आपने यहाँ शेयर एज पीडीएफ पे क्लिक करना है। दोस्तों पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी शेयर थ्रू व्हाट्सएप, जीमेल। गूगल अगर ड्राइव आप में सेव कर टेलीग्राम सकते हो। इंस्टॉल्ड है आपके फोन में तो आप टेलीग्राम के थ्रू भी सेंड कर सकते हो। एंड आप दोस्तों अगर आप अपने फोन में सेव करना चाहते हो तो आपने फाइल मैनेजर को सिलेक्ट करना है। फाइल मैनेजर को सिलेक्ट करने के बाद आपने मेन स्टोरेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे किसी फोल्डर में पीडीएफ सेव कर सकते हो। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, अपने न्यू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं स्कूल नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने फोल्डर को ओपन करना है, एंड सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो पीपीटी थी वो पीडीएफ में सेव हो गई है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में कोई भी पीडीएफ व्यूअर इंस्टॉल होना चाहिए जिसके थ्रू आप पीडीएफ ओपन करना चाहते हो। अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने पीडीएफ व्यूअर को सिलेक्ट करना है, एंड जो आपकी पीपीटी थी वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है। आप पीडीएफ के थ्रू भी स्टूडेंट्स को स्टडी करवा सकते हो। दोस्तों अगर आपकी पीपीटी या किसी भी अदर एजुकेशन ऐप की क्वेरी है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का कर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।